Is Kangana Ranaut now regretting joining BJP? Was she better off in Bollywood? After joining the Bharatiya Janata Party, it seems that Kangana is facing increasing scrutiny. On one hand, the party is distancing itself from her remarks, and on the other, the release of her latest movie is being delayed, possibly due to her political affiliation. Recently, Kangana made a statement regarding the three farm laws that were repealed following widespread protests by farmers. In a video that has since gone viral, she controversially suggested that these laws should be reinstated and that the farmers themselves should advocate for their return. Her comments quickly attracted backlash, not just from the farming community, but also from her own party. BJP spokesperson Gaurav Bhatia made it clear that Kangana's views do not represent the party's stance, stating she should not have spoken like that about the farm laws. She has no authority to speak on behalf of the party. Her views are personal. तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान तीन कृषि कानूनों को लेकर जो कि पहले वापस लिए गए थे चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है तीन कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है, इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। With elections on the horizon, the BJP is making every effort to retain its support in Haryana. If a member of their own ranks is causing discord, they will likely take steps to distance themselves from that individual. Kangana's remarks have drawn anger from farmers, leading her to apologize and retract her statement. In her apology, Kangana emphasized that as a BJP worker, her views should align with the party's stance, and she expressed regret if her statements offended anyone. नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। अर्लियर कंगना हैड सेड दैट I know this statement is controversial, but the three farm laws must be implemented back. The farmers themselves must raise this demand. किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए, हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर दो दो तीन तीन महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करें कि भाई हमारे जो थ्री लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। This situation shows the delicate balance Kangana must maintain as she navigates her role in both Bollywood and politics. As we reflect on these developments, we must consider whether Kangana Ranaut's position is indeed in sync with the BJP's agenda, or if she is at risk of becoming a liability for the party she represents. That's all for today.
If you like the content we provide, please subscribe to the Upfront and press the bell icon to get notification of all our updates. Please share our videos and educate others. Thank you.